दोस्तों अगर आप भी हरमनप्रीत कौर को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच T20 वर्ल्ड कप का रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया और इस हारे हुए मुकाबले में पहले जमाइमा रोड्रिग्स के तूफानी चौके छक्कों की बदौलत भारत ने वापसी की और फिर हरमनप्रीत कौर ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीन ली। तो आपको अंतिम ओवर तक का पूरा रोमांच मैच का यहाँ हाईलाइट वीडियो में बताने और दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष और स्मृति मानधना में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे महिला T20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जहां केप टाउन के न्यूलैंड्स में जब ये मुकाबला शुरू हुआ तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान मैग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला कई हद तक उनकी टीम के लिए सही भी साबित हुआ। यहां पर भारत की खराब फील्डिंग के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 172 रन बना डाले और भारतीय टीम को लक्ष्य दिया 173 रनों का। हालांकि जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलिसा हीली और बेथ मुनी उतरी थी तो दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी की, जहां लगातार स्कोर आगे बढ़ता चला जा रहा था और दोनों बल्लेबाज खूब रन बटोर रहे थे। लेकिन पहला बड़ा विकेट राधा यादव ने ऋचा घोष के हाथों एलिसा हीली को स्टंप आउट करवा के लिया और इस बीच एलिसा हीली 26 गेंदों में 25 रन ही बना सकी और ये विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम उल्टा और मजबूत दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहां पर बेथ मुनी ने बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए और यहां पर वो 37 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुई और अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्का भी लगाया, जैसा कि स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों इस लड़खड़ाती हुई पारी को मैग लैनिंग और एशले गार्डनर संभाल लेती है, जहां इस बीच मैग लैनिंग ने आज के मुकाबले में 34 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली तो वहीं एशले गार्डनर ने 18 गेंदों में 31 रन जड़कर हमारे गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली और यहां पर हमारे गेंदबाज फेल होते हुए इस परीक्षा में नजर आए। लेकिन दोस्तों यहां पर ग्रेस हैरिस और एलिस पेरी ने तो कुछ ज्यादा खास कमाल किया नहीं, लेकिन यहां पर जो बेथ मुनी, मैग लैनिंग और एशले गार्डनर ने तूफानी पारी खेली उसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 172 रन बना सकी और यहां पर भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 2 विकेट शिखा पांडे को मिले इस मैदान पर, तो वहीं एक एक विकेट दीप्ति शर्मा और राधा यादव के हाथ लगा। हालांकि दोस्तों अब भारत के सामने लक्ष्य था 173 रनों का और इस लक्ष्य को भारत की टीम आसानी से बनाकर मैच जीतेगी इसकी उम्मीद पूरा भारत देश लगाए बैठा था और शुरुआत जिस हिसाब से भारत की हुई थी वो देखकर तो ऐसा लग रहा था कि भारत इस लक्ष्य को 15 ओवर में ही हासिल कर लेगी, क्योंकि जब स्मृति मानधना और सैफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की तो इस बीच अपना और पारी का पहला ओवर करवाने के लिए आई एशले गार्डनर के इसी ओवर में 10 रन जड़कर भारत की टीम ने शानदार शुरुआत की थी और तेजी से स्कोर आगे बढ़ाने के चक्कर में सैफाली वर्मा ने एक गलत शॉट खेल दिया और वो LBW आउट हो गई। हालांकि दोस्तों सैफाली वर्मा ने 6 गेंदों में 9 रन तो बनाए थे, लेकिन दोस्तों इस पारी का कोई फायदा हुआ नहीं और भारत की टीम एक बार फिर से लड़खड़ाती हुई नजर आती। उससे पहले ही यहां पर स्मृति मानधना ने एक तरफ से पारी को संभालना शुरू कर दिया और इस बीच देखते ही देखते भारत का स्कोर लगातार यास्तिका भाटिया के साथ मिलकर आगे बढ़ाती चली जा रही थी और भारतीय टीम को अब पूरी उम्मीदें इन्हीं दोनों बल्लेबाजों से थी। लेकिन दोस्तों यहां पर स्मृति मानधना के रूप में भी भारत को दूसरा झटका लग जाता है, जहां एशले गार्डनर उनको अपनी गेंद पर फंसाकर LBW आउट कर देती है और यहां पर मानधना भी मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौटी। हालांकि दोस्तों स्मृति मानधना के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आई जमाइमा रोड्रिग्स, जहां जमाइमा ने आते संगी चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो आज मैदान पर कैसी बल्लेबाजी करने वाली हैं। और दोस्तों वहीं उनका साथ निभा रही यास्तिका भाटिया तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और वो ग्रेस हैरिस के हाथों रन आउट हो गई और 4 रन बनाकर ही पवेलियन लौटी। और भारत के जब 3 बड़े विकेट गिर चुके थे तब भारत का स्कोर मात्र 28 रन पर था। टीम इंडिया बिल्कुल हारने की कगार पर खड़ी हुई थी, लेकिन यहां पर कप्तान हरमनप्रीत कौर और जमाइमा रोड्रिग्स ने मिलकर पारी को संभाला, जहां दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी तो मात्र 21 गेंदों में ही पूरी होती हुई नजर आई और भारतीय महिला टीम का स्कोर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था, जहां भारत की टीम एक समय पर 3 विकेट तो जल्दी गंवा चुकी थी। लेकिन अब भारत को मात्र 60 गेंदें बची हुई थी और रन चाहिए थे जीतने के लिए 80। टीम इंडिया बिल्कुल मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी घबरा गए कि आखिरकार ये मुकाबला कहीं भारत की टीम जीत ना जाए, इसीलिए वो मैदान पर पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यहां पर एक बार जमाइमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर की आंखें जम गईं तो अब इनको आउट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका था। और दोस्तों फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी करना बखूबी जानती है। यहां पर जमाइमा रोड्रिग्स को 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर डार्सी ब्राउन ने अपने जाल में फंसा लिया और वो
एलिसा हिली के हाथों कैच आउट हुई। हालांकि इस बीच जमायमा रॉड्रिगिस 24 गेंदों में 43 रन बनाकर पवेलियन लौटी और ये विकेट गिर जाने के बाद भारत की टीम थोड़ी लड़खड़ाती हुई तो नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ऋचा घोष ने मिलकर भारतीय पारी को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा और यहाँ पर भारतीय महिला टीम को जीत की तरफ आगे बढ़ाया। बाकी आप सब यहाँ पर देख भी सकते हो कि हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने इस रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की टीम को मैच में अंतिम समय तक बनाए रखा, जहाँ इस बीच हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष के बल्ले से बल्लेबाजी प्रदर्शन देखने के लिए मिला और भारत की टीम ने ये मुकाबला अंतिम ओवर में ले जाकर पलटा और यहाँ पर खूब छक्के चौकों की बरसात करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को कोई मौका ही नहीं दिया। बाकी आप सभी के सामने पूरा स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है, जहाँ हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, जमायमा रॉड्रिग्स की पारी आप सभी के सामने है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भी। और दोस्तों अब ऐसा रोमांचक मुकाबला देखने के बाद आप सभी की क्या राय है और आप भारत के बल्लेबाजों को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।